subscribe to my channel Tech Vidwan and click on the bell icon to watch my latest videos first. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बाश्वर और स्वागत करता हूँ टेक विद्वान का इस फ्रेस एपिसोड में। दोस्तों, आज मेरे पास पहुंचा है फ्लिपकार्ट से एक बॉक्स जिसके अंदर है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय कंपनी का एक पावर बैंक, जिसको मैं खोलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इसके स्पेक्स के बारे में और इसकी प्राइस क्या है और ये कैसे क्या काम करता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जो है बॉक्स को फटाफट से खोल लेते हैं और जो है वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रही जो है इसका बिल और ये रही प्रोडक्ट, जो है काफ़ी अच्छे से जो है इसको पैकिंग किया गया है और इस चीज़ को हम जो है अभी फटाफट से खोलने वाले हैं। तो इसको जो है हम इसको ऐसे ही निकाल देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय XOR टेक्नोलॉजी LLP जो है न्यू दिल्ली में है और ये पावर बैंक है। कलर जो है ब्लैक और यहाँ पे नेट क्वांटिटी जो है एक यूनिट का है और इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है वो है एक पावर बैंक, USB केबल और यूज़र मैनुअल। और इसका जो MRP लिखा गया है यहाँ पे, ये MRP है 1840 रुपये, लेकिन ये मेरे को जो प्राइस पे मिला है वो है 1199 रुपीज़। काफ़ी सस्ते में जो है इस प्रोडक्ट मेरे को मिल गया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये 20,000 mAh का जो है पावर बैंक है और इसमें जो इनपुट है वो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का इनपुट इसमें सपोर्ट करता है और जो आउटपुट है वो है आपका 2.1 एम्पियर। और इसमें जो है LED बल्ब जो इंडिकेटर दिया गया है और चार्जिंग केबल जो है इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये जो है यूज़र गाइड जिसमें बहुत सारे कसन्स वगैरह और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और बटन फंक्शंस के बारे में कुछ बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर जो है किस तरह का जो ये काम करता है और यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का पैकिंग जो है काफ़ी बेहतर की गई है। यहाँ पे ये जो है उसका USB केबल को जो है फटाफट से खोल देते हैं। डिज़ाइन जो है दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का जो है ये दिख रहा है। तो रही है ये है आपका USB केबल, इसके जरिए इस चीज़ को आप चार्ज पे लगा सकते हैं और इसमें जो है अडाप्टर नहीं मिलता है, आपको दूसरी अडाप्टर लगानी पड़ेगी। तो इसको जो है हम एक बार खोल देते हैं। दोस्तों, ये जो मतलब दिया गया है काफ़ी बहुत मजाक जैसे लगता है यार, बहुत ही छोटा है। थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये बहुत छोटा है। और दोस्तों, मैं अगर डिज़ाइन की बात करता हूँ, कंप्लीट डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं किस तरह का जो है दिखता है। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें लिखा गया है, यहाँ पे स्मार्ट फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का लोगो है और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है और साथ में यहाँ पे आउटपुट 1 5 वोल्ट 1 एम्पियर है और आउटपुट 2 जो है 5 वोल्ट और 2.1 एम्पियर है। और यहाँ पे दोस्तों जो इनपुट है वो है आपका 5 वोल्ट बाई 2.1 एम्पियर और साथ में ये जो कैपेसिटी है वो है आपका 20,000 mAh का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का जो है लोगो और यहाँ पे जो है दिए गए हैं 2 ठो USB। यहाँ पे ये जो है ये है आपका ऑन ऑफ का बटन और साथ में
ये जो दोनों है ये दिए गए हैं यूएसबी पोर्ट, और साथ में यहाँ पे चार्जिंग लगाने के लिए एक पोर्ट भी दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है एलईडी लाइट। ऑन करके देखते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक बार टैप करना पड़ेगा, जैसे कि इसको दबाया तो ये ऑन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली जो है बैटरी जो है पूरा चार्ज्ड है, 100% चार्ज इसके अंदर है। तो दोस्तों इस रैप को जो है मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने हटा दिया, और आप देख रहे हैं कि किस तरह का जो है ये दिखता है। और इस लाइट को भी आप जला सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो ये जलने लगेगा, जैसे कि मैं आपको जला के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं अपने आईफोन को इस पावर बैंक से चार्ज करवाऊंगा, तो देखिए मैं किस तरह इसको जो है चार्ज में लगाता हूँ। तो यहाँ पे ये रही मेरा आईफोन का चार्जर, इसको मैं फिट करने वाला हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे मैंने अभी फिट कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिकली जो है लाइट आ गई, मतलब जलने लगा है, ऑन हो गया है, और इसको मैं लगाऊं तो ये चार्ज ले ले, 77% का जो है अभी चार्ज है, अभी चार्ज हो जाएगा 100% कुछ देर बाद। तो दोस्तों इस तरह का जो है ये प्रोडक्ट काम करता है। अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ मेरा निवेदन ये भी है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में जो बगल में जो घंटे का बटन है उसको भी दबा के जाइएगा।